क्लास 9 के बच्चे एक्सरसाइज 12.2 में आए हैं और हमने पिछले वीडियो में 12.2 के 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है। एन अम्ब्रेला एक छाता है इज मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीस, जिसे 10 रेक्टेंगुलर पीस जोड़कर बनाया गया है, त्रिभुजाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। ये इस टाइप से 1 2 3 4 5 ये 5 टुकड़े अगर आगे से है तो डेफिनेटली 5 टुकड़े पीछे से भी होंगे, ठीक है। मतलब इसका एक टुकड़ा एक पीस त्रिभुजाकार है, रेक्टेंगुलर है, और इसे 10 टुकड़ों को जोड़कर 10 पीसेस को स्टिच करके ये छाता बनाया गया है, ठीक है। आगे बोला गया है कि क्लॉथ ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, यानी इसमें 2 कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसके 5 टुकड़े 5 पीसेस एक अलग कलर के हैं और दूसरे 5 टुकड़े अदर 5 पीसेस अदर कलर के हैं, ठीक है। ईच पीस मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, हर टुकड़े का जो माप है वो 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, यानी एक टुकड़े की माप एक पीस का मेजरमेंट 50 एंड 20 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 टुकड़े हैं 10 पीसेस हैं और 5 कलर के अलग है, 5 कलर के अलग है, ठीक है। आपको बोला गया है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड टू मेक अम्ब्रेला, इस छाते को बनाने के लिए प्रत्येक कलर का कितना कपड़ा लगा। आप जानते हो कि 2 कलर को मिलाकर और 10 टुकड़ों को मिलाकर 2 कलर एंड 10 पीसेस ये छाता बना ही अम्ब्रेला बना, ठीक है। इसमें से 5 कलर अलग है और 5 कलर अलग है। अब हर कलर का कितना कपड़ा लगा, ईच कलर का कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड किया गया, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन कलर, सॉरी वन पीस। पहले हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक पीस का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब उसकी 3 मापे 3 मेजरमेंट है 50 50 एंड 20, यानी आपका ए जो है 50 सेंटीमीटर है, बी जो है 50 सेंटीमीटर है और सी जो है 20 सेंटीमीटर है। तो पहले हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल एक पीस का एरिया निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें पहले एस निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 120 अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा 60। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया, और ध्यान रखना ये एरिया एक टुकड़े का आएगा एक पीस का आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस की प्लेस पर आपका 60 आएगा, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20, तो 60 ये आपका 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते 2 into 3 into 10, इसे फिर 10 into 10 और इसे 2 into 2 into 10, अब पेयर बनाएं 10 टू टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, ये 10 टू टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, ये 2 टू टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, ठीक है, और 3 2 6 ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। ये 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, ये 2 टाइम से 1 टाइम आ गया और ये 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, तो 10 3 100 2 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आया एक टुकड़े का क्षेत्रफल आया एक पीस का एरिया, ठीक है। अब हमें हर कलर के टुकड़ों के क्षेत्रफल ईच कलर के पीसेस का एरिया निकालना है, ठीक है। तो 5 कलर अलग है, 5 कलर अलग है, ठीक है, 5 कलर के
टुकड़ों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फर्स्ट फाइव कलर। तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक पीस का एरिया 200 अंडर रूट 6 है, तो पांच टुकड़ों का क्षेत्रफल 5 पीसेस का एरिया हो जाएगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले पांच कलर का क्षेत्रफल आया, फर्स्ट फाइव कलर का एरिया, मतलब फाइव पीसेस के कलर का एरिया। क्या पांच ही टुकड़े हैं? नहीं, पांच टुकड़े अलग कलर के हैं और पांच टुकड़े अलग कलर के हैं, फाइव पीसेस डिफरेंट कलर के हैं और फाइव पीसेस डिफरेंट कलर के हैं। तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक पीस का एरिया ये आया, तो पहले पांच टुकड़ों का, फर्स्ट फाइव पीसेस का जो अलग कलर के हैं, उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया ये होगा। ठीक है, अब दूसरे पांच टुकड़ों का क्षेत्रफल, अदर फाइव पीसेस एरिया, ये जो एरिया आया है ये पहले कलर के पांच टुकड़ों का है, फर्स्ट कलर के फाइव पीसेस का, और एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक पीस का एरिया ये है, तो बाकी के पांच टुकड़ों का फाइव कलर का ये आएगा। यानी सपोज हरे कलर के पांच टुकड़े हैं, ग्रीन कलर के फाइव पीसेस है, उसका एरिया ये आएगा, और लाल कलर के पांच टुकड़े हैं, रेड कलर के फाइव पीसेस है, उनका एरिया ये आएगा। एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक पीस का एरिया ये आया, तो पांच टुकड़ों का जो अलग कलर के है वो ये आएगा, और दूसरे पांच टुकड़ों का जो अलग कलर के है ये आ जाएगा। इस टाइप से आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, एक पतंग है और वो वर्ग के आकार की है, स्क्वायर के शेप में, ए बी सी डी, ये एक पतंग है काइट और वो वर्ग के आकार में है, स्क्वायर के शेप में, डायगोनल 32 सेंटीमीटर, इसका जो विकर्ण है डायगोनल, ये रहा इसका विकर्ण डायगोनल, वो 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ए बी सी डी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी डी एक वर्ग है, स्क्वायर है, और वर्ग में स्क्वायर में विकर्ण बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर सेम, यानी अगर आपका बी डी 32 सेंटीमीटर है तो आपका एसी ये भी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें ये पूरा का पूरा 32, तो आधा यहां से लेके यहां तक OA, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल के, सॉरी स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और समद्विभाजित भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर इसका एक विकर्ण एक डायगोनल 32 का है, तो दूसरा विकर्ण दूसरा डायगोनल भी 32 का होगा, और आधा OA 16 सेंटीमीटर का होगा, 16 सेंटीमीटर का, क्योंकि वर्ग के विकर्ण डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को दो भागों में बांट देते हैं। ठीक, आगे बोला गया है कि एन आइसोसेलस ट्रेंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर, इसका जो आधार है बेस, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलस ट्रेंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, फुट साइड्स आर इक्वल, मतलब दोनों भुजाएं दोनों साइड्स 6-6 सेंटीमीटर की है और आधार बेस 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, आगे बोला गया है इज टू मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, इसके तीन अलग अलग शेड्स थे, मतलब इसको तीन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, ये ऊपर का हिस्सा इसका पहला टुकड़ा है, पहला शेड, ये नीचे वाला हिस्सा इसका दूसरा टुकड़ा है, दूसरा शेड, और ये इसका तीसरा शेड है, तीसरा टुकड़ा, तीन अलग अलग प्रकार के कागज को मिलाकर ये पतंग बनाई गई है। ठीक है, आगे बोला है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इट,
इसे बनाने में प्रत्येक शेड में कितना कागज लगा। अब इसके तीन शेड है तो तीनों शेड में कितना कितना कागज लगा हमें ये बताना है। ये इसका पहला शेड है, ये इसका दूसरा शेड है और ये इसका तीसरा शेड है। इसे बनाने में कितना कागज लगा हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, और उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ट्रायंगल का एरिया है उसके फॉर्मूले से आता है, लेकिन यह हमें इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की बेस यानी आधार दिया है और ऊंचाई यानी हाइट भी पता है। तो हम इसके लिए हेरोंस का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय 2 बेस इनटू हाइट, 1 बटे 2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1 बाय 2 की प्लेस पे 1 बाय 2 आएगा, इसका आधार बेस 32 आएगा और ऊंचाई हाइट 16 आएगी, 16, ठीक है। ये इससे 16 बार कट जाएगा 16 टाइम और ये आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले शेप का क्षेत्रफल, फर्स्ट शेप का एरिया आया, मतलब पहले शेप को बनाने में इतना कागज लगा। पेपर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट शेप यानी पहले शेप को बनाने में लगा कागज, ठीक है। अब इसके दूसरे शेप पे आते हैं, दूसरा टुकड़ा ये है बी सी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इसमें भी अगर हम इसे उल्टी साइड से देखें तो ये आधार है बेस और ये ऊंचाई है हाइट, तो ये आपका 32 होगा और ये 16 हो जाएगा 16। तो यही फॉर्मूला लगा है 1 बाय 2 बेस इनटू हाइट, 1 बटे 2 आधार गुणित ऊंचाई, 1 बाय 2 आधार बेस इसका 16 है इस तरफ से, सॉरी 32 है और ऊंचाई हाइट 16 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दूसरे शेड को बनाने में लगा कागज, एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू सेकेंड शेड यानी पहले वाले शेड को बनाने में इतना कागज लगा, इतना पेपर लगा, और दूसरे वाले शेड को बनाने में इतना कागज लगा, इतना पेपर लगा, ओके? अब तीसरा वाला टुकड़ा जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलस ट्रायंगल, जिसकी बराबर भुजाएं इक्वल साइड 6-6 है और आधार बेस 8 है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं त्रिभुज सी ई एफ में। अब ये एक त्रिभुज है, ये एक ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास आधार बेस तो है पर ऊंचाई हाइट नहीं है, इसलिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हेरोंस का फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ए जो है वो 6 सेंटीमीटर है, बी भी आपका 6 सेंटीमीटर है और सी आपका 8 सेंटीमीटर है। तो पहले आप एस निकाल दें, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू यानी 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2, 6 और 6 12 और 8 20 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल दे, एरिया मालूम है आप लोगों को फॉर्मूला कौन सा है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो एस की प्लेस पे आपका 10 आएगा, 10 माइनस 6 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8, ठीक है। तो ये 10 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 × 5 4 × 4 × 2। इस 10 को लिख दिया 2 × 5 4 × 4 × 2। अब पेयर बनाए तो इसमें से 4 आएगा और इसमें से 2 आएगा और इसके पेयर नहीं बनेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा। तो 4 × 2 = 8 4 × 2 = 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ थर्ड शेड, तीसरे शेड का क्षेत्रफल। मतलब साफ है, पहले शेड को बनाने में इतना कागज इतना पेपर लगा, दूसरे शेड को बनाने में इतना कागज इतना पेपर लगा और तीसरे शेड को बनाने में इतना कागज इतना पेपर लगा। ओके, इस टाइप से आपका ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, मैंने 12.1 एक्सरसाइज जब करवाई थी बेटा तो एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, डेफिनेटली 3 एग्जाम्पल्स करवाए थे। 12.2 में भी 3 एग्जाम्पल है तो 3 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल तो मैं आज आपको कर दे रहा हूँ, बाकी के दो एग्जाम्पल भी हम करेंगे। ठीक है, सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। सानिया नाम की एक लेडीज के पास एक खेत है, जमीन का टुकड़ा है और वो सम चतुर्भुज के आकार का है, रोम्बस के शेप में। अब ये समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल है, सभी भुजाएं बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं, रोम्बस। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोडक्ट डिफरेंट क्रॉप्स। वो चाहती है कि इस खेत में उसकी लड़की और लड़का दोनों काम करें और दो अलग अलग प्रकार की फसल उगाए। ठीक है, शी डिवाइडेड द लैंड इनटू इक्वल पार्ट, उसने इस जमीन के टुकड़े को दो भागों में बांट दिया। ओके, यानी एक भाग वो सन को देती है लड़के को और एक भाग डॉटर को देती है लड़की, और दोनों को अलग अलग क्षेत्र देकर एरिया देकर वहां फसल उगाने से कहती है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ लैंड इज 400 मीटर। इसका जो परिमाप है पेरीमीटर वो 400 मीटर है। परिमाप पेरीमीटर यानी सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, All sides are equal. Why? Because it is a rhombus. ये एक समचतुर्भुज है। जब इसकी चारों भुजाएं बराबर है, All sides are equal, तो आप परिमाप को perimeter को 4 से divide कर दें, तो इसकी सभी भुजाएं All side 100 meter आएगी। ठीक है? यानी ये भी 100 meter, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर, तब चारों को प्लस करके परिमाप पेरिमीटर 400 आएगा, 400। ठीक है, अब उसने उसका एक विकर्ण डायगोनल 160 मीटर है, इसका जो डायगोनल है विकर्ण ये 160 मीटर है। ओके, हाउ मच एरिया ऑफ ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉस। तो उसने बोला है कि लड़का और लड़की दोनों को फसल उगाने के लिए कितना क्षेत्रफल पर्याप्त होगा, यानी आपको दोनों भाग के क्षेत्रफल निकालने हैं, दोनों पार्ट्स के एरिया निकालने हैं। हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये खेत, ये पीस ऑफ लैंड समचतुर्भुज रोम्बस के शेप में है, लेकिन बीच के विकर्ण के आने की वजह से, बीच के डायगोनल के आने की वजह से ये दो त्रिभुजों में बंट गया, दो ट्रायंगल में। तो हम सबसे पहले लड़के के भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ सन पार्ट। ठीक है, जिस हिस्से में लड़का फसल उगा रहा है, सन क्रॉप लगा रहा है, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया, ये आपका त्रिभुज ट्रायंगल ए बी डी है। मिला ए बी डी, इसकी तीन भुजाएं,
इसकी तीन साइड ए जो है वो 100 मीटर है, बी ये भी 100 मीटर है और सी 160 मीटर है। तो पहले आप एस निकाले, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, 100 प्लस 160 अपॉन टू, 200 और 160, 360 अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, एरिया डायरेक्ट कर देता हूं बेटा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप देखें कि आपके एस की जगह आएगा 160 माइनस ए की प्लेस पे 100, 160 माइनस बी की प्लेस पर 100 और 160 माइनस सी की प्लेस पे आएगा 120, सॉरी 180 है। एस जो है आपका 180 है, 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 एंड 180 माइनस 160, ए 100 है, बी 100 है और सी 160 है। ठीक है, अब 180 ये आपका 80 हो जाएगा, 80 ये 80 हो जाएगा, 80 और ये आप लोगों का 20 आएगा, 20। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 18 × 10 18 × 10, 8 × 10 8 × 10, 8 × 10 8 × 10 और 2 × 10 2 × 10। और भी आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे इसे 2 × 3 × 3, ठीक है 10 रहने दे, ये 8 भी रहने दे, ये 10 रहने दे, ये 8 भी रहने दे, ये 10 रहने दे, ये 2 भी रहने दे और ये 10 भी रहने दे, अब पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो 3 3 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, ये 2 और ये 2, 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, 10 10 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, फिर 10 10 2 टाइम से 1 टाइम आ गया और आई थिंक 8 8 2 टाइम से 1 टाइम आ गया। ठीक है, 3 2 द 6 8 द 4800 मीटर स्क्वायर। तो ये लड़के के भाग का क्षेत्रफल आ गया, एरिया ऑफ सन पार्ट, यानी इस हिस्से में लड़का जो फसल लगाएगा, बॉय जो क्रॉप लगाएगा, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया ये आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एज इट इज, इसी प्रकार लड़की के भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ गर्ल्स पार्ट। अब देखिए ये लड़की जिस भाग में फसल लगा रही है, गर्ल जिस पार्ट में क्रॉप लगा रही है, उसकी तीन भुजाएं, उसकी थ्री साइड भी वही होगी, 100 100 और 160, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी इसी प्रकार एज इट इज यही आएगा, नो डाउट, क्योंकि दोनों टुकड़े दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, जितना हिस्सा लड़के को दिया गया है, जितना पार्ट लड़के को, बॉय को दिया गया है, सन को दिया गया है, उतना हिस्सा लड़की को दिया गया है, गर्ल्स को, तो दोनों के क्षेत्रफल, दोनों के एरिया एज इट इज सेम आएंगे। ठीक है,